गया दानी पड़ा सुमित्रा हाई स्कूल जो है एग्जाम गया एग्जाम बहुत अच्छी है आज कौन सा सब्जेक्ट था ज्योग्राफी ज्योग्राफी था ज्योग्राफी में कैसा आपका परसेंट जाएगा मार्क्स 70 से तो ऊपर ही होना चाहिए अच्छा जो मैक पॉइंटिंग था वो किया क्या मैक पॉइंटिंग किए हाँ कितना नंबर आएगा लगभग आपका इस सब्जेक्ट में इस समय 70 से ऊपर होना चाहिए किस स्कूल से है झुमका वाले हाई स्कूल पहले हम लोग जो नेक्स्ट स्टूडेंट है उससे पूछते हैं कि आज एम दोस्तों मारे हैं प्रॉस स्कूल हाई स्कूल में जो एग्जाम कर गया हां तो आप देख सकते हैं इधर बच्चों को अभी आज तक छोड़ रहा है तो हम लोग गार्जियन को पूछ रहे हैं भाई साहब आपका नाम क्या है कहाँ से आप अटकड़िया से अच्छा ये आपका कहाँ पे कौन एग्जाम दे रहा है हमारा सिस्टर एग्जाम दे रहा है कैसा एग्जाम गया आज अच्छा ही गया है नॉर्मल है आप क्या कहना चाहेंगे इस एग्जाम के बारे में कि इजी होगा हार्ड होगा नहीं नहीं ये होगा बहुत अच्छा है और यह लोग जो कमी है ज़्यादा बच्चा भी नहीं है बहुत अच्छा लग रहा है सबको या कोई चीट उट नहीं देना चाहता है और सबको बोले है कि या ऐसे देना भी नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छा है ठीक है थैंक यू तो आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि इजी क्वेश्चन है तो हम लोग अभी जो है नेक्स्ट स्टूडेंट से जुड़ेंगे लीना परवीन एग्जाम कैसा गया आपका अच्छा नहीं गया आपका मैप पढ़ लिख गया पास होने का क्या है तो आप जो पढ़ाई नहीं हुआ ये सरकार को देंगे ये कैसा होता है बहुत ही हार्ड बात है जब आप लोग जो है हम नेक्स्ट सेशन में जुटे हैं क्या नाम आपका न्यू वाली कहाँ से आप बेंगार से हैं तो आप जो एग्ज़ाम दिए अभी वो कैसा इजी था ना हार्ड था इजी था कितना मार्क्स परसेंट आएगा आपका इसमें हाँ ओके मैप पॉइंटिंग इसमें था इसमें क्या गया इसको अच्छे था क्या अंदर आपका गाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है तो आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि एग्जाम ज्योग्राफी का बहुत ही हार्ड था दूसरे सब्जेक्ट के अलावा इस सब्जेक्ट में बहुत ही हार्ड था कुछ बच्चों का कहना था कि सर लॉकडाउन था जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए वो सही थे और एग्जाम में जो वो सही से एग्जाम नहीं दे पाए